everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss about this foundation in detail. If you are interested then please stay tuned to the last. जैसे कि आप देख रहे हैं ये है एसेंस का स्टे ऑल डे 16 आवर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है 30 सॉफ्ट सैंड. इसमें इसका शेड कलर है, ये बॉटल का कलर थोड़ा लाइट है लेकिन शेड का कलर ये इसमें है एग्जैक्टली यही शेड में आता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द पैकेजिंग. पैकेजिंग तो बहुत ही क्लासी है, बहुत ही बढ़िया है. एक पंप बॉटल में ये आता है, ये इसका कैप है, ये ऐसे ओपन होता है. ठीक ठाक क्लोजर ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा इतना भी स्ट्रॉन्ग क्लोजर नहीं है, सिक्योर नहीं है इतना, लेकिन ओके है. जैसे कि आप देख रहे हैं क्यूट सा एक बॉटल है और यहाँ पे इसका पंप है. प्रोडक्ट ऐसे निकलता है यहाँ पे, थोड़ा सा ही मतलब ये कर रहे हो, आपको एक ड्रॉप भी चाहिए तो आप निकाल सकते हो. सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. यहाँ पे इसके सारे डिटेल्स दिए गए हैं, इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट दिए गए हैं, इसके फॉर्मूला एंड एवरीथिंग. इंग्रेडिएंट लिस्ट में इसमें पैराबेन है, ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट नहीं है. और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि यहाँ पे हाइलाइटेड है ऑल डे 16 आवर लॉन्ग लास्टिंग. मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है और इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है और लाइट वेट है करके. आगे हम उसके बारे में हम देखेंगे, मैं ये 16 आवर तक स्टे करता है कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी. सो जैसे कि मैं बता रही हूँ ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट नहीं है. यहाँ पे इसके प्राइस दिया गया है और ये है 390 रुपीज का और इसमें हमें मिलता है 30 ml का प्रोडक्ट. आपको ये डिस्काउंट में भी मिल जाएगा नायका में. तो अब चलिए देखते हैं हम इसका टेक्सचर, इसका फॉर्मूला. तो ये है फाउंडेशन, ये लाइट में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये पिंकिश टोन में है और ये ब्लेंड करने से मेरे स्किन में बहुत ही अच्छा सेट हो जाता है. ये लाइटर लग रहा है लेकिन इतना लाइट नहीं है. लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक ड्रॉप ही लिया था इस फाउंडेशन का एंड दिस इज एनफ. आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा हाथ से भी ब्लेंड हो गया है, इतना ड्राई नहीं है, मॉइस्चराइजिंग है और बहुत ही अच्छा ये सेट हो जाता है. हाथ से भी बहुत ही अच्छा ये ब्लेंड हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं. ये मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया है लेकिन आपको थोड़ा मतलब ये मतलब तुरंत ही ये ड्राई आउट हो जाता है, तो इसीलिए आपको बहुत जल्दी इसको ब्लेंड करना होता है. ये ऑलरेडी ड्राई हो गया है तो जैसे ही आप लगाते हैं ये एक मैट इफेक्ट देता है. ये बिल्कुल ही मैट फाउंडेशन है, ड्यूवी नहीं है. सो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है. और ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया, ये और ब्लेंड नहीं हो रहा है. मतलब लगाते ही ये तुरंत ही सूख जाता है स्किन पे, तुरंत ही मतलब ड्राई आउट हो जाता है, सेट हो जाता है. तो इससे आपको थोड़ा बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा. अगर ब्लेंड करना इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर फिर भी जल्दी ड्राई आउट हो जाता है तो आप एक दो ड्रॉप एसेंशियल ऑयल या फिर फेशियल ऑयल कुछ ऐड करके भी आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप मॉइस्चराइजर भी ऐड करके लगा सकते हो. अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड वन. जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसको पानी में आप धो, आप जब तक आप इसमें रिमूवर ना डालो ये निकलेगा नहीं. सो दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. और 16 आवर तो मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं है लेकिन 8 to 10 आवर्स आराम से आपको ये चला जाएगा. अगर आप मतलब धूप में भी आप इसको लगा के जा रहे हो, बहुत पसीना दे रहा है ऐसी जगह पे हो एंड यू आर गोइंग टू बीच एरिया ऑल्सो, स्विमिंग कर रहे हो, देन ऑल्सो ये कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा आपके स्किन पे. मैं आपको पानी से ये वॉश करके दिखाती हूँ. तो ये देखिए मैंने डाल दिया ये पानी, इसको आप जितना रब करो जो करो ये बिल्कुल नहीं जाएगा एंड लुक एट द डिफरेंस. और इसमें लिखा है कि ये एक लाइट वेट फॉर्मूला है इसका, तो यस लाइट वेट भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है. ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली समर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है. यहाँ पे लिखा है वाटर प्रूफ, यस इट इज वाटर प्रूफ.
टेक्सचर इसका सॉफ्ट है लिखा है, येस इट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। ओनली थिंग इज दैट पैकेजिंग का, ये आप अगर इसको बैग में या फिर मेकअप किट में आप डाल के जा रहे हो देन ये ऐसे ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक। इसका जो पैकेट इधर जो क्लोजर है इतना सिक्योर नहीं है, तो कभी एक बार मेरा लीक हो गया था, तो लीक हो के ये चारों तरफ ये अब जब बोतल का हालत जो देख रहे हो ना ये सब लग गया था इसमें। सो दिस इज द पॉइंट, आप ये इतना ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है लेकिन आप अगर इसे लेना चाहते हो देन यू कैन, मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी। एफोर्डेबल भी है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, समर के लिए तो पूरा बेस्ट फाउंडेशन है। जो लोग डेली वेयर फाउंडेशन कुछ मतलब ट्राई करना चाह रहे हो देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। जो कॉलेज जा रहे हो या फिर डेली ऑफिस जा रहे हो देन तो बहुत ही बढ़िया एक फाउंडेशन है, पूरा ऑल डे स्किन पे रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इसका 3-4 शेड्स आता है आई थिंक। एसेंस के प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल भी होते हैं। सो आपके हिसाब से, आप स्किन टोन के हिसाब से इसका शेड भी मिल जाएगा, और डार्कर स्किन टोन के लिए भी है, लाइटर वालों के लिए भी है। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है, और इसको मैंने नायका से लिया था तो तभी बहुत ही डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे 200 समथिंग में ये मिल गया था। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वन, और काफ़ी टाइम तक 30 ml प्रोडक्ट मतलब काफ़ी टाइम तक चला जाएगा। इसको ऑलरेडी मुझे लेते हुए 1 ईयर हो गया है ऑलमोस्ट, बहुत बार भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसके साथ बहुत सारे फाउंडेशन भी होते हैं, वो भी ट्राई करना होता है, इसीलिए ये मेरा बहुत टाइम चला जाता है, और एक पम्प इसका एनफ ही है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज देन आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट and I will definitely give it a big thumbs up. आप लेना चाहते हो, I will definitely recommend. So this is all about this foundation. Hopefully it will help you a lot. मिलते हैं अगले वीडियो में, till then bye.